के एक्टर भी यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। अब समझ लीजिए कि भैया कितना इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण जगह है यहाँ का जायका। मतलब बड़े बड़े स्टार भी यहाँ पर आते हैं खाने के लिए, फिल्म स्टार भाई साहब, फिल्म स्टार। चलिए चलते हैं, बस बने रहिए हमारे साथ। हेलो नमस्कार वेलकम, और क्या हाल चलो इस सब लोग, उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो भाई साहब आज हम लोग आ चुके हैं पुराने लोकेशन पर। जी हाँ, जो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पर शूट किया था वहीं पे हम लोग जा रहे थे, तो एक हमारा एक बहुत ही बढ़िया हमारा एक कॉन्टेंट मिला। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, ओल्ड चंपारण मटन, इसका ये जो ब्रांच है ये काफ़ी जायकेदार ब्रांच यहाँ पर है, और बहुत सारे लोकल लोगों ने इसके बारे में मुझे बताया। मैंने उन लोगों से पहले पूछा, कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो पहले मैं वहाँ पर R&D करता हूँ कि भाई चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, वहाँ का जायका क्या है, और उसके बाद से हमने यहाँ पर सोचा कि आप लोगों तक यहाँ के जायके को पहुँचाया जाए। और बहुत खा लिया हमने मटन स्टू, और अब समय आया हम लोग कुछ पुराने अंदाज पर चलने का। जी हाँ बिल्कुल बेशक, मटन हांडी की तरफ। तो हांडी का प्रॉपर प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, मतलब आप लोगों के लिए करवाने जा रहे हैं बिल्कुल, और उसका जो जायका है आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। और भाई साहब लोकेशन जो है आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये पिलर नंबर 10, और इसी पिलर नंबर 10 के सामने से जो ये अंदर जगदेव पट का रास्ता जाता है जो कि मुरली चक में जाता है, यहीं पर आप आगे आइएगा तो ये आपको मिलेगा चंपारण मटन। ये देखिए भाई साहब, ये सामने में आप जो पुल देख रहे होंगे ये आप बोल सकते हैं जगदेव पथ जो है ये रास्ता है, पिलर नंबर 10 के सामने से ये रास्ता आपको जाता है। और ये जो रास्ता है अगर आप बात करें तो ये राम प्रवेश मार्केट ये है, आप देख सकते हैं सामने में, और यही वाला जो रास्ता है ये आगे तक जाता था मुरली चक में, जहाँ पर हमने इसके पहले OYK यम्स का वीडियो बनाया था बिरयानी का जायका का। और ये जो है देखिए भाई साहब, ये एक खास लोकेशन है, ओल्ड चंपारण हाउस, मटन हाउस जो बोलते हैं भाई साहब, क्योंकि हम लोग ऐसे घर में हमेशा जाते हैं जहां पर मटन हो, जहां पर खास जायका हो। तो ये देखिए, और बाहर में अभी जब आए हैं तो आज हांडी दिखाएंगे, आज स्टू बहुत हम लोगों ने किया है, अब थोड़ा हांडी देखने का समय आया। और भाई साहब जैसे हम अंदर चलेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो अंदर का एम्बियंस है काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है, और सेटअप भी काफ़ी बढ़िया है, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे डाइनिंग कर सकते हैं, व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, आप यहाँ पर आकर फील कर सकते हैं। और इस अच्छे से इंटीरियर में आपको आज मिलने वाला है पूरे तरीके से हांडी, और काफ़ी बढ़िया तरीका आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है, यहाँ पे बैठने का जो पूरा सेटअप है काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर हर टेबल पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रांडिंग की मेनू जो है वो यहाँ पर है, ओल्ड चंपारण मटन हाउस, और प्रॉपर एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मोबाइल नंबर भी आप देख रहे होंगे, आप आराम से यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, और काफ़ी बढ़िया अंदर का एम्बियंस है भाई साहब। चलिए, और गाइस जब हम अंदर पे किचन चलते हैं तो किचन में चलने के बाद जो किचन का सेटअप है आप वो देख सकते हैं कितना बढ़िया, मतलब किचन का सेटअप है अंदर में, और आप मैं दिखा दूँ एक बार प्रॉपर तरीके से। ये देखिए फ्लेम वगैरह का जो यहाँ पर सेटअप है काफ़ी बढ़िया, एकदम एवरीथिंग इज प्रॉपरली सेटअप अंदर में, काफ़ी बढ़िया तरीके से किचन जो है ओपन किचन है, इसे यहाँ पर ओपन किचन ही बोला जा सकता है। और यहाँ पर जो है देखिए प्याज की तैयारी हो रही है भाई साहब, ये देखिए मतलब इतनी बारीकी से जो प्याज काटे जा रहे हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। नाम विक्की है। अच्छा विक्की जी, आज आप तैयार करेंगे हम लोगों के साथ मटन? हाँ, हाँ, है कि नहीं? हाँ तैयार करेंगे। दर्शकों को क्या खिलाने जा रहे हैं आप? हांडी मटन। अरे क्या बात है, एकदम हांडी मटन जो लवर्स हैं एकदम, आज बने रहिए। ये पतला प्याज काट रहे हैं, बहुत बार क्या होता है मोटा मोटा गोल गोल प्याज काटा जाता है, तो पतला प्याज काटने का जो मेन कारण है क्या है? जल्दी गल जाता है। बढ़िया से गल जाता है। अच्छा। प्याज खारा ना रहता है, बढ़िया से गल जाता है। बढ़िया से गल जाता है। कहाँ के रहने वाले हुए आप? हाजीपुर। हाजीपुर के हुए, क्या बात है, एकदम क्या बात है भाई साहब। ये देखिए एकदम कितना बढ़िया तरीके से, और आज कितना मटन है? ये 10 किलो है प्याज, 10 किलो मटन है। अच्छा। और चिकन भी भराएगा और मटन भी भराएगा। अच्छा, यानी कि चिकन हांडी और मटन हांडी दोनों का व्यवस्था है? दोनों है, चिकन। अच्छा। हांडी और चिकन मटन। अच्छा, चिकन हांडी कितना है? चिकन हांडी वही 4-5 किलो। अच्छा, 5 kg चिकन और 10 kg आपका मटन हांडी हो गया, काफ़ी अच्छा क्वान्टिटी में है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि जहाँ मटन है वहाँ पर चिकन जो है उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये एकदम बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप। और भाई साहब जब तक कि प्याज कटा रहा है हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आगे का पूरा जो हमारा जो तैयारी है, जो पूरा सेटअप होगा
वो आप लोगों को दिखाएंगे। और भाई साहब अगर आप यहाँ पर रहते हैं इस लोकेशन पर तो एक बार इस जगह पर एक बार विजिट करना बनता है। लेकिन अभी हम लोग हमारा पूरा प्रिपरेशन बाकी है और बाकी है हमारा आप लोगों से जो कमिटमेंट है कि पूरे रेसिपीज़ को दिखाना है आप लोगों को। और भाई साहब आज जो जायका है ना वो भाई साहब मेरे मुँह से क्या, वो देखिए आर्टिकल्स है उसके बारे में। ओल्ड चंपारण मटन हाउस के खुद के मसाले से तैयार करके बनाया जाता है स्पेशल हानी डिश। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना बढ़िया यहाँ का जायका है भाई साहब। और मतलब क्या बताएं भाई, हांडी मटन के जो दीवाने हैं। बात करें तो देखिए भाई पैसन है भाई आज के डेट में ना मटन के जो लवर्स हैं उनका एक अपना पूरे तरीके से पैशन है कि भाई मटन का जो टेस्ट है ना उन लोगों तक पहुंचाया जाए। ये देखिए भाई साहब कितना बढ़िया। और भाई साहब ये देखिए एकदम, मतलब आप पहचान रहे होंगे बिल्कुल, आशीष विद्यार्थी सर यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद भी बहुत बड़े, मतलब ऐसे तो फिल्म के बहुत ही बड़े एक उम्दा जो बोल सकते हैं उम्दा कलाकार, लेकिन भाई साहब उम्दा कलाकार के साथ एक उम्दा स्वाद के भी ये दीवाने हैं बिल्कुल, फूड ब्लॉगर भी हैं और यहाँ पर ये आए थे। और काफ़ी जायकेदार है जायका यहाँ मटन के दीवाने, भाई साहब यहाँ पर आएँ एक बार मटन हांडी खाने। ये देखिए भाई मटन खाने आते हैं यहाँ पर फिल्मी एक्टर, क्योंकि मटन का जो प्रिपरेशन है और उम्दा स्वाद है ये काफ़ी खास है। आप सोच सकते हैं भाई साहब मुंबई के जो स्टार हैं वो यहाँ के स्वादों को जायका ले चुके हैं। आप सोचिए किस तरीके का स्वाद है, एक बार आपको तो आना बनता है। अगर अरे आपके तो लोकल एरिया में है भैया तो एक बार तो इस एरिया में आना बनता है और इस जायके में आना बनता है। जब मुंबई से कोई आ सकता है और वो भी इतने बड़े कलाकार तो आप क्यों नहीं भाई। और भाई साहब ये देखिए ये जो जायका है इसका जो फैक्ट्री है ये है, देखिए हांडी सजा हुआ है एकदम, छह हांडी एकदम गजब भाई साहब। और यहाँ पर देखिए तराजू वगैरह अपने मसाले को तौलने के लिए, क्योंकि मसाला एकदम बराबर से हो। ये मटन है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मटन का जो कलर है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब ये पतले से भुने हुए प्याज देख के ही आपको लग रहा होगा कि भाई इसके स्वाद का टेस्ट किया जाए। और ये जो है प्याज में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ शायद लहसुन हल्का मुझे लग रहा है, खैर मैं जानूँगा यहाँ जो बना रहे हैं। ये देखिए हिसाब किताब यहाँ पर मसाले जो हैं, मसाले का हिसाब किताब आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर मसाले क्या बात है जो हांडी आहुना हांडी में होने चाहिए। और ये भाई साहब देखिए ये है आपका तेल और एकदम सेटअप देखिए भाई साहब। और यहाँ पे दो लोग जो हैं यही यहाँ पर हांडी को करने वाले हैं पूरे तरीके से तैयार क्या बात है। और यहाँ पर एक तरफ दूसरे तरफ कमान संभाल रहे हैं, क्या नाम हो गया आपका? सिकंदर प्रसाद गुप्ता। अरे सिकंदर जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरवल। अरवल के रहने वाले हैं क्या बात है। ये देखिए तेल यहाँ पर इस तेल को डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी देखिए कितना बढ़िया। भाई साहब मैं तो यही बोलता हूँ अगर जायका खास होना तो इस जायके के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये देखें ये तेल थोड़ा सा, तो सिकंदर जी मतलब पूरा तेल डालने का जो प्रोसेस होता है मतलब सब में एकदम हिसाब से ही डाला जाता है ना? हिसाब से ही डाला जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए भाई साहब ये देखिए एकदम हांडी में आप देख सकते हैं गाइस तेल एकदम बराबर मात्रा में, किसी में कम नहीं किसी में ज़्यादा नहीं, शायद मेरे ख्याल से टेस्ट सब में बराबर हो, कारण और ध्यान ये रखा जाता है। ये देख सकते हैं गाइस एक एक करके सभी हांडी में तेल को फिल किया जा रहा है। कितना बढ़िया तरीके से, अब देखिए भाई साहब ये देखिए सभी में लहसुन के जो पोट हैं वो डाले जा रहे हैं और मिर्चा लाल मिर्च बोल सकते हैं भाई। अच्छा सब में एक एक लहसुन ही डालते हैं? एक एक लहसुन। ये देखिए
अभी के लिए फिलहाल शुरू में इतना ही डाला जाता है प्रोपोर्शन। तो मसाले का प्रोपोर्शन देखिए भाई साहब, टेस्ट अलग नहीं होता है, मसाले का प्रोपोर्शन जो होता है ना वो अलग होता है। ये देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया तरीके से। इस मसाले में क्या क्या है एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। इस मसाले में टोटल गरम मसाला है, गरम मसाला है, लहसुन तो डाल ही दिए, मिर्चाई डाल दिए, आप देखे ही हैं। अच्छा, इसमें सारे गरम मसाले एकदम डाले गए हैं। अब आगे का जो प्रोसेस है, ये जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपने हिसाब से यहाँ पर मेज़र करके क्वांटिटी इनका अपना खुद का होता है। तो आपका क्या नाम हो गया जी? मेरा सर सोनू कुमार कुशवाहा हुआ। अच्छा सोनू जी, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं। अच्छा जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं, क्या बात है सोनू जी। आप, मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो प्याज का क्वांटिटी आप डाल रहे हैं तो किस तरीके का हिसाब किताब है, जरा से एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। ये वजन के अनुसार डलाता है, जितना मटन डालेंगे वो अनुसार प्याज का प्याज डालते हैं। अच्छा मटन के हिसाब से, और थोड़ा सा प्याज जो है ये आप ऊपर से डालेंगे। अच्छा लहसुन पेस्ट आप देख सकते हैं, ये खुद से मेजर करके इनका खुद का अपना मेजरमेंट होता है। और मसाले आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई साहब हल्दी कितने बढ़िया तरीके से, ये देख सकते हैं। अच्छा ये मिक्स मसाला है, मसाला हुआ। अच्छा इसमें क्या क्या रहता है? ये तो टोटल मसाला जो मिक्स होता है मालिक के थ्रू दिया जाता है वो। अच्छा, मिक्स मसाला मतलब ये खुद से पिसवाते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं सीक्रेट मसाला। सीक्रेट मसाला है कि नहीं? गुप्त मसाला, मतलब अगर ये पता चल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? ये देखिए भाई साहब क्या बात है। अच्छा इसमें नमक जो है टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे, टेस्ट अनुसार नमक। अच्छा चलिए ठीक है भाई साहब, ये देखिए भाई साहब कितना बढ़िया। और अब इसे दिया गया सिकंदर जी को। सोनू जी और सिकंदर जी दोनों जो जोड़ी है ये आहुना हांडी के लिए एकदम परफेक्ट है कि नहीं सोनू जी, है ना? चलिए एकदम, ये देखिए अब अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। ये देखिए भाई साहब बहुत ही बढ़िया, असली आहुना चंपारण का जो टेस्ट है उस टेस्ट को अगर आपको चाहिए, अगर ओरिजिनल जायके को चाहिए तो आपको इस जगह पर आना पड़ेगा। देखिए भाई साहब आशीष विद्यार्थी सर सही नहीं आया है, खाने के जायके के पीछे तराशने वाले वो एक मतलब एक अजीबो गरीब हीरा है, नया हीरा बोल सकते हैं। तो उनके जायके का एक अलग बात है और आप लोगों के जायके का एक अलग बात है। तो भाई साहब एक बार तो आना बनता है यहाँ पर। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से, ये देखिए भाई साहब, और इधर देखिए भाई साहब मटन, मटन को भी मेज़र किया जा रहा है। अच्छा मटन को भी मेज़र काहे करते हैं भाई? दोनों साथ में मिक्स होता है ना तो मसाला बढ़िया से मिल जाता है। अच्छा दोनों मिक्स करने के बाद मसाला साथ में मिल जाता है तो इससे बढ़िया से पकता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब मटन को एकदम मसाले में प्रॉपर तरीके से रखने के लिए ही मतलब आप लोग मसाले को भी मेजर करते हैं और मटन को भी मेजर करते हैं। ये देखिए भाई साहब सभी हांडी में ये जो मटन है ये बराबर है। अच्छा किसी में ऐसा होता है हांडी में कि किसी में कम पीस हो गया, किसी में पीस अलग हो गया? बराबर पीस आएगा, सब में बराबर पीस आएगा। कोई हांडी लेना भी चाहे तो बराबर पीस है, अगर नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। नहीं सब बराबर पीस आएगा। अच्छा चलिए क्या बात है, ये देखिए भाई साहब करने देते हैं। और ये हांडी का रिफिल आप देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया तरीके से इसे अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है, एकदम ओरिजिनल जायका हांडी का आपके सामने। इस वक्त पटना के हम सबसे पुराने ओल्ड चंपारण मटन में आए हुए हैं और यहाँ के जायके को आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये देखिए अंदर फील किया जा रहा है। अच्छा सिकंदर जी मुझे एक चीज़ बताइए कि जो तेल आप डाले हैं तेल क्या गरम है?
तेल गर्म है, पका हुआ तेल है। अच्छा, पका हुआ तेल है, काफ़ी बढ़िया। ये देख सकते हैं सारे को इसमें डाल दिया गया है। अच्छा, तैयार हो गया। इसके ऊपर से कुछ प्याज वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है, करेंगे पैक हो जाएंगे, आग पर चल जाएंगे। अच्छा, मतलब इसके ऊपर क्या करेंगे, फिर से ढक्कन दे करके आटे से मूंद करके सील कर देंगे, ये आग पर चल जाएंगे, आग पर ही पक जाएंगे। अच्छा, मतलब बस सील कर देना है, बस कुछ नहीं। ये देखिए ओरिजिनल, मतलब आपको हांडी एकदम, मतलब सब प्रोसेस, मतलब सब के साथ यही प्रोसेस किया जा रहा है। प्याज डाला जा रहा है, प्रोपोर्शन इनका खुद का होता है। जायके को दिखाना है भाई साहब, आप लोगों तक पहुंचाना है। एक बार अगर पटना में आप हैं इस लोकेशन पर, तो एक बार इस जगह पर तो ज़रूर आइए। वैसे सभी लोग जानते हैं, ये देखिए आधी लहसुन का पेस्ट है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए भाई साहब, ये कितना बढ़िया प्रोपोर्शन इनका खुद का हिसाब किताब अपना। और सेम प्रोसेस, नमक स्वाद अनुसार, सेम प्रोसेस जो है। और यहाँ पर दिया गया सिकंदर जी को, और इसमें डाला गया ये पका हुआ तेल। पका तेल जो है ये टेस्ट को, फ्लेवर को थोड़ा सा एक अलग तरीके का एसेंस देता है, और इसे मिला दिया गया। बहुत बार देखते हैं कि हांडी में लोग अलग अलग तरीके का लोग एक्सपेरिमेंट करता है। आपको क्या कहना चाहते हैं, मतलब प्याज वगैरह जो होते हैं बहुत जगह देखते हैं कि बड़ा बड़ा प्याज वगैरह डाला जाता है। जो ये प्याज है ना सर, जो ये महीन महीन इसलिए कटता है कि जल्दी पक जाए, ऐसे प्याज बड़ा बड़ा रहता तो सीज नहीं पाता है इसके। अच्छा, चलते मतलब बारीक करने का कारण यही है कि सीज जाए अच्छा से और टेस्ट भी अच्छा से आए, है ना। असली मटन आहुना आज आपके सामने है। देखिए दो हांडी तैयार हो चुका है, और ये तीसरे हांडी के साथ सेम प्रोसेस यहाँ पे आजमाया जा रहा है। ये मसाले मिक्स किए जा रहे हैं, और इधर जो मटन है यहाँ पे डाले जा रहे हैं। मटन टोटल आज कितना है? टोटल 10 केजी मटन। अच्छा, 10 केजी मटन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और चिकन हांडी भी मैंने सुना है कि यहाँ बनता है। जी, चिकन हांडी भी बनता है। चिकन हांडी क्या इसके बाद बनेगा? हाँ, इसके बाद बनेगा चिकन हांडी। चलिए, इसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे चिकन हांडी एक साथ। और ये देखिए भाई साहब, ये इसमें मेजर कर लिए गए पीसेस को अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस के अंतर्गत इसे एकदम सेम सेटअप दिया गया है। मसाले देखिए भाई साहब, कितने बढ़िया तरीके से मसाले इसमें एकदम खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं गाइस, कितना बढ़िया। मतलब वाकई में एक उम्दे जायके की तरफ हमारा जो सफ़र है, हमारा जो ये अभियान है आप लोगों के लिए, लाइक और शेयर के तो ज़रूर काबिल है। तो जल्दी से भाई लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और ये देखिए भाई साहब, एकदम क्लोज व्यू में दिखा रहा हूँ आपको, एकदम हांडी को एकदम अच्छे तरीके से फील किया गया एकदम, ये देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हांडी को एकदम पूरा फिल किया गया है उस मसाले के साथ। और छोटे छोटे फाइन प्याज जो हैं एकदम अच्छे तरीके से आपको इसमें मिले नज़र आएंगे। इनका जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टेक्सचर है, काफ़ी बढ़िया टेक्सचर। और ये भी हमारा हांडी जो होता है दूसरा तीसरा नंबर हांडी, ये हो जाएगा, हो चुका तैयार। ये देख सकते हैं एक बाहर, ये देखिए मुझे लगा था कि ये बाहर गया, लेकिन नहीं, देखिए भाई साहब
कि ये जितने भी अभी हांडी आपको देखे हैं आप लोगों ने, ये चार हांडी, ये सब दो दो केजी का हांडी है। और एक केजी वाला हांडी कौन सा हो गया आपका? जो अभी भरेंगे हम, अच्छा, वो दो दो केजी का है, ये एक केजी का। अच्छा, अभी 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 जो आप भरेंगे ये एक केजी का भरिएगा, है ना? अच्छा, ये एक केजी वाला ही है। अच्छा, ये देख सकते हैं प्रोपोर्शन, आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी बढ़िया तरीके से। मसाले इसमें, ये एक केजी वाला हांडी को तैयार किया जा रहा है, मतलब ऑप्शन है आपके पास, या तो एक केजी का ऑप्शन है आपके पास हांडी का, या तो दो केजी का ऑप्शन है पूरे हांडी को अगर आप चाहते हैं तो। और ये देखिए भाई साहब, मसाले हिसाब से, हांडी के साइज़ के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से जो मसाले हैं वो यहाँ डाले जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि एक तरीके का मसाला, एक क्वांटिटी का मसाला एक केजी दो केजी में बराबर से पड़ता हो। और बहुत ही मतलब बेहतरीन और मशक्क़त से यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो इन लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से मसाले एकदम तैयार किए हैं। और भाई साहब देखिए, मसाले कोई जो बोलते हैं कि देखिए मसाले का तो एक अलग बात होता है, स्वाद होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो काफ़ी ख़ास होता है, वो जायके को काफ़ी ख़ास बताता है। ये देखिए मटन, ये एक केजी के, एक केजी वाले हैं ना? ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, काफ़ी बढ़िया, क्या बात है भाई साहब। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया सा प्रोपोर्शन और कितना बढ़िया सा जो कलर है, कलर मिक्सचर है, वो आपके सामने भी दिख रहा होगा। जो भी लोग हमारे वीडियो को जिस भी जगह से देख रहे हों, एक बार शेयर करें। और इसी खास जायके के लिए बड़े बड़े स्टार भी इस जगह के दीवाने हैं भाई साहब। पटना के कल्चर को भूलिए मत भाई साहब, पटना में अगर हैं तो इस जगह पर जरूर आइए, क्योंकि आहुना हांडी का देसी मसाला वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए एक केजी का हांडी कितने बढ़िया तरीके से सज चुका है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं अभी। ये देखिए दो केजी का हांडी, इसका सजावट और इसका बहुत ही अच्छा कलर। और ये है एक केजी वाला मटन हांडी बादशाह। और भाई साहब ये देखिए, ये जो है ना, ये चिकन हांडी के लिए तैयार किया जा रहा है प्याज। तो सोनू जी, चिकन हांडी का क्या प्रोसेस रहता है, एक बार हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। चिकन हांडी का जो प्याज अभी हम डाल रहे हैं ना, ये प्याज मसाला के साथ मिला के इसको हांडी में डाल दिया जाएगा। इसके आग भट्टी पर रख के इसको पका लिया जाएगा पूरा बढ़िया तरह से। इसके बाद चिकन को फ्राई करके इसमें डाल दिया जाएगा। अच्छा, मेरे मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से मसाले हमने मटन हांडी में देखा, आप उसी तरीके से यहाँ पर चिकन के लिए भी तैयार करिएगा, है ना? मतलब उस तरीके का आप पूरा मसाला जो होता है, जो आप हांडी का मसाला बोल सकते हैं, वो तैयार करिएगा। और उसको जब आप आँच पे डालिएगा, उसके बाद जब थोड़ा देर पकेगा तो उसमें आप फ्राई चिकन को उसमें डालिएगा, है ना? तो मतलब फ्राई चिकन को डालने का कारण क्या है कि इसमें टेस्ट अच्छा आए और है कि ऐसे डालेंगे दोनों मिक्स करके तो गलने का डर रहता है, क्योंकि चिकन है मुलायम पीस होता है ना, तो गलने का ज़्यादा डर रहता है। इसके चलते फ्राई कर थी ग्रेवी बनाकर और चिकन को फ्राई करके डाला जाता है। अच्छा अच्छा, और इसे तो हमको लगता है कि आपका टेस्ट भी अलग आता होगा। हाँ, टेस्ट भी बढ़ जाता है ना? हाँ, टेस्ट बहुत। चलिए, जो सोनू जी को यहाँ पे हम काम करने देते हैं, क्योंकि अगर सोनू जी डिस्टर्ब हो गए तो फिर हमारा चिकन हांडी गड़बड़ा जाएगा। क्या सोनू जी, सही बोले ना, है कि नहीं? ये देखिए भाई साहब, बड़े ही खुशमिजाज आदमी हैं सोनू जी। हम जब आए तो देख रहे थे कि भाई पूरे तरीके से एकदम लगे हुए हैं, व्यवस्था को एकदम अच्छे तरीके से एकदम सब मेंटेन कर रहे थे भाई। ये देखिए भाई साहब, अच्छा ये जो चिकन हांडी है, ये कितना मतलब ये दो केजी का है?
जी 2 केजी का है। 2 केजी का। और ये 2 केजी वाला कितना हांडी है चिकन का? चिकन का हांडी ऐसे ग्रेवी बना के रख जाता है शाम तक सब। अच्छा, मतलब जैसे जैसे डिमांड आता है वैसे वैसे। फिलहाल आप एक तैयार करके रख दीजिएगा, फिर जैसे डिमांड पड़ेगा वैसे वैसे होते हैं। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ और एकदम सही। ये देखिए मसाले एकदम यहाँ पर प्याज काट के रख दिए गए हैं, एकदम बिल्कुल सही कहा सोनू जी ने। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। क्वालिटी तभी मेंटेन रह पाता है। आप चीज़ों को एकदम ज़रूरत पड़ने पर अगर आप दें, ये देखिए भाई साहब, ये मसालों का टीला या बोल लीजिए किला, ये चिकन हांडी की प्रिपरेशन है भाई साहब। बहुत लोग लगता है वीडियो देख के वोल्केनो समझ रहे हैं भाई साहब, अरे नहीं महाराज, ये चिकन हांडी का ज़बरदस्त प्रिपरेशन है। क्या बात है भाई, गजब। ये देखिए भाई साहब, अब सिकंदर जी के पास जो है मिलाने दिलाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, टेस्ट अनुसार इसमें अब जाएगा नमक। ये देखिए भाई, ये देखिए भाई साहब, क्या बात है भाई, कलर देखिए, ये देखिए भाई साहब कलर कितना सही सा कलर निखर के आ गया है। मतलब चेहरे से मुंह से देखने वाले को वाव वाव निकलेगा भाई, अजब टेस्ट की गजब कहानी भाई। बहुत अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं एकदम मसाले को एकदम अच्छे तरीके से इसमें एकदम प्रॉपर तरीके से मिलाया जा रहा है भाई। कितना बढ़िया, और जो कलर है ना भाई साहब, मतलब गजब। ये देख सकते हैं, ये देखिए भाई साहब, ये चिकन हांडी का पूरा ग्रेवी जो है, ग्रेवी मतलब आप थिक ग्रेवी बोल लीजिए, हांडी का ग्रेवी बोल लीजिए, ये तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं आम तौर पर ये बोल सकते हैं प्रॉपर चिकन हांडी, और हमने देखा बगल में मटन हांडी, सिर्फ मत बोलिए आहुना हांडी मटन बोलिए भाई साहब, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिए भाई साहब, और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी पीसेस नहीं है चिकन के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सोनू जी ने बताया है कि इसको अभी आंच पे रखा जाएगा थोड़े देर के लिए, उसके बाद ये जब हल्का हल्का पकना शुरू होगा तो इसमें फ्राई चिकन करके इसमें डाला जाएगा और तब इसे तैयार किया जाएगा। और अब यहाँ पे सिंहासन पे जाने के लिए शाही दरबार में, ये सिंहासन देखिए मटन का, हांडी के मटन का, मटन हांडी भी मत बोलिए, आहुना हांडी मटन बोलिए। और ये देखिए भाई साहब, अंदर से लाकर बाहर में ये सारे जो हांडी है, 4 है हांडी मटन का, आहुना मटन हांडी, और एक जो है वो है आपका चिकन हांडी। ये देखिए अभी इसको इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ढका जा रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको ढका जा रहा है एकदम काफ़ी बढ़िया तरीके से सारे हांडी को, कितना बढ़िया। जैसे जैसे डिमांड आता है वैसे वैसे हांडी भी तैयार किया जाता है एकदम, कोई भी मतलब बैकलॉग में तैयारी नहीं की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बना कर रख दिया जाता है, एवरीथिंग इज़ फ्रेश्ड। आपने देखा, ये देखिए इसे अब आटे का लेयरिंग। अच्छा विक्की जी, ये आटे का लेयरिंग काहे के लिए हो रहा है?
ये रीडिंग हो रहा है कि इसमें ढक्कन लगा रहा है कि इसका गैस है जो बाहर ना निकलेगा, इसी में गैस भी है जो इसी में रहेगा, तब तो टेस्टी आता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें पानी वगैरह भी डालते हैं? ना, पानी ना पड़ता, बिल्कुल तेल पड़ता है, 300 ग्राम तेल पड़ता है और प्याज रहता है, लहसुन सब जितना मसाला हमारा मसाला पड़ता है, इसे पानी ना पड़ता है। अच्छा, कोई पानी नहीं, कुछ ऊपर से पानी वानी नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए विकी जी, यहाँ पर मटन को पूरे तरीके से यहाँ पर इसके आँच में डाल रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया शाही दरबार में आपके मटन जो है भाई साहब, ये पेश है, ये खिदमत है भैया आपके। ये देखिए गजब, और ये अच्छे तरीके से पूरे तरीके से एयर टाइट कर दिया गया। और भाई साहब दरबार में, शाही दरबार में बोल लीजिए, दरबार मत बोलिए भैया, मटन के दीवाने, इस जगह पर आओ मटन खाने, हांडी मटन। ये देखिए कितना बढ़िया उम्दा अगरदा, क्या बात है भैया, चलिए होने देते हैं तैयार। अच्छा विकी जी, कितना देर अभी इसको छोड़ा जाएगा? इसमें एक घंटा डेढ़ घंटा इसे लग जाता है, मटन के हिसाब से पकता है, जो हिसाब से मटन रहता है वही हिसाब से पकता है। अच्छा, मटन का क्वांटिटी भी इसमें मैटर करता होगा? हाँ, जो हिसाब से, अगर छोटा माल है तो जल्दी पक जाता है, थोड़ा बड़ा माल होता है तो थोड़ा लेट से पकता है। अच्छा अच्छा, और इसमें क्या मतलब आप बीच में भी मतलब क्या चलाते हैं या इसको हटाते हैं या बस इसको पूरे ऊपर तरीके से इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा? ना, इसी पर पक जाता है पूरा। पूरा पक जाएगा? हाँ, पूरा इसी पर पक। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत जगह हांडी जो होता है उसमें बीच में भी लोग थोड़ा पानी डालते हैं, लोग ये करते हैं, तो क्या मतलब ये सही में हांडी है उस तरीके से? इसी पे पकता है, जब पक जाता है तभी हम लोग उतारते हैं, बिना पके हुए हम लोग ना उतारते हैं। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, छोड़ देते हैं अभी इसे हाल पर और उसके बाद आते हैं इसके पास और जानते हैं इसका जो हाल और समाचार है। ये देखिए भाई साहब, इसे अच्छे तरीके से अभी शेक किया जा रहा है, इसे हिलाया जा रहा है ताकि बैठा हुआ नहीं रहे मटन। और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया, ये देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से सारे मटन को एकदम आंच से उठा के इसे हिलाया जा रहा है ताकि कहीं पर भी जो मसाले हों वो बैठे नहीं रहे, एकदम प्रॉपर तरीके से मसाले एकदम मिले हुए रहें, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक खास। और भाई साहब फाइनली यहाँ का जो एम्बियंस है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और हमने पूरे तरीके से जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों को दिखाया है और अभी हम लोग जहाँ पर हैं बेसिकली वो एक ऐसा टेस्ट है, वो एक ऐसा इमोशन है जो कि मटन स्टू के लवर जो है, मटन आहुना मटन के जो व्यूअर्स हैं उन लोगों तक जो टेस्ट है उम्दा टेस्ट बोल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो अगर बात करें तो कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं, एक बार यहाँ के जो टेस्ट है उसका जो जायका है वो आप लोगों को हम बताएंगे और कस्टमर से भी हम बात करेंगे, तो बस हमारे साथ बने रहें। और जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, भाई साहब पूरे जायके को, पूरे इस जायकेदार जायके की जो जर्नी है उसको देखें। सो बेसिकली यहाँ पर भी एक कस्टमर है और ये जो है शायद अभी मेरे ख्याल से कुछ खा रहे हैं तो हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय जी क्या खा रहे हैं अभी? जो है एक कढ़ी खा रहे हैं। अच्छा, एक कढ़ी खा रहे हैं, कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लाजवाब। मतलब कहाँ के रहने वाले हुए जी? मैं तो मधुबनी का रहने वाला हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। कहाँ पे जॉब करते हैं? यहाँ टीचर हूँ, BMP हाई स्कूल में। अच्छा चलिए, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, मतलब टेस्ट से काफ़ी संतुष्ट हैं आप? काफ़ी संतुष्ट है यहाँ, और मैं प्रायः आके यहाँ ही खाना खाता हूँ जब कभी नॉनवेज खाने की इच्छा होती है तो। चलिए बहुत बढ़िया, आप खाना एंजॉय करिए, ठीक है। कुछ यहाँ पर भी हमारे साथ जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं या नहीं पहले हम इनसे जानते हैं, तो कैसा लग रहा है स्वाद आपको? स्वाद तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी। है कि नहीं, कहाँ से आए हैं बेसिकली? मैं तो नेपाल से हूँ। अच्छा, नेपाल से आए हैं, अरे बाप रे बाप, क्या बात है भाई, तब तो आप बड़े हमारे आज स्पेशल मतलब आप कस्टमर और ऑडियंस हो गए। और आप कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से आए हुए हैं। अच्छा, आप मोतिहारी से जी। टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मतलब देख सकते हैं तो आप
हांडी खा रहे हैं, है ना? तो मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस अभी से पहले रहा है या नहीं रहा है, और यार रहा है तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा है, पहले से भी हम आते हैं यहाँ से। अच्छा, बहुत पहले से भी यहाँ से रेगुलर, मानिए तो रेगुलर कस्टमर हम हैं। अच्छा, रेगुलर कस्टमर जी। चलिए आप खाना एंजॉय करिए, वरना आपका हांडी ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर लेकिन हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब नेपाल से यहाँ पर आने का मतलब क्या कारण है? खाने हैं या किसी काम से? काम से आए हैं। अच्छा, काम से जी। लेकिन मतलब टेस्ट आपको क्या, मतलब वहाँ पर जो आप मटन खाए हैं और यहाँ पर जो मटन खाए हैं, अंतर क्या है? बहुत अंतर है, जैसे कि स्वाद में भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। अच्छा, यहाँ का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नेपाल से भी ज़्यादा मतलब बढ़िया लग रहा है? कम है, और सभी सब देख कर बनाया गया, अच्छा लग रहा है इसमें, है ना? चलिए आप खाना इंजॉय करिए। और यहाँ पर भी कुछ कस्टमर जो हैं आप देख सकते हैं एकदम लगे हुए हैं सफा चट करने के चक्कर में। कैसा लग रहा है टेस्ट आपको? एक नंबर भैया, एक नंबर लग रहा है। कहाँ से आए हैं भाई? श्यामापट्टनम जगदेवपुर। अच्छा, मतलब मटन खा रहे हैं, मटन स्टू खा रहे हैं क्या आप? मटन स्टू का कैसा टेस्ट लग रहा है? एक नंबर, हम लोग तो हमेशा मटन स्टू ही खाते, इसके अलावा कुछ खाई भी नहीं करते। अरे ऐसा मतलब दीवानगी है। अच्छा, और यहाँ पे भी क्या है, मटन स्टू है, कैसा टेस्ट? ठीक है, एक नंबर है ना, क्या बात है। और यहाँ पर भी एक कस्टमर है, आपको कैसा लग रहा है टेस्ट? अरे एक बार बताइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब इतना बढ़िया टेस्ट है कि बोल नहीं पा रहे हैं भाई आप। चलिए इनको खाने देते हैं इनके हाल पे। और यहाँ का एम्बियंस देखिए भाई साहब, काफ़ी बढ़िया जायकेदार एम्बियंस है, मतलब एवरीथिंग इज़ अप टू मार्क। प्रिपरेशन आपने देखा कितने बढ़िया तरीके से, और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि देखिए फिल्म जगत के जाने माने एक्टर भी यहाँ पर इस पटना के गौरव चंपारण मटन, जो कि ओल्ड हाउस चंपारण मटन के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली हांडी मटन नहीं बल्कि आप इसे आहुना हांडी मटन के नाम से बोल सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया, आगे में आइएगा तो एकदम सेटअप है एकदम आगे। और यहाँ पर बहुत देर छोड़ने के बाद हम लोग आए हैं। आप देखिए, पहले आप देखिए यहाँ पर भाप निकलना शुरू हो चुका है एकदम, आप देख सकते हैं एकदम बारीकी से आप देख सकते हैं कि भाप जो है, देखिए आप देखिए भाप निकलना शुरू हो चुका है। मतलब एक घंटे हमने छोड़ा है इसे, एक घंटे छोड़ने के बाद इसमें से भाप निकलना शुरू हो गया है, और अभी इसे थोड़ा सा हिलाया जा रहा है और उसके बाद निकाला जाएगा एकदम अपना हांडी। ये देखिए भाई साहब, बहुत देर तक हमने छोड़ा है इसे, क्योंकि ये हांडी जो है ना ये खुलता नहीं है यहाँ पे। क्या मैं सही बता रहा हूँ ना विकी जी? हाँ एकदम सही है ना, मतलब एकदम नहीं, तैयार होने के बाद ही एकदम सारा। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, थोड़ा सा भी चोरी वोरी नहीं किया जाता है भैया, इधर उधर देखा नहीं जाता है, एकदम तैयार, इतना कॉन्फिडेंस। आखिर तभी तो एक्टर भी दीवाने हैं यहाँ के जायके का। ये देखिए भाई साहब, एक हांडी अभी निकाला जा रहा है थोड़ी देर में, बस इसे मंच को थोड़ा सा सजाया जा रहा है, थोड़ा सा फिक्स किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है। लपालप और चपाचप करने के बाद भैया हमारा मटन अहुना हांडी हैज कम फॉर यू गाइस। और इस वर्चुअल टेस्ट को मैं अकेले नहीं लेने वाला हूँ, आप लोगों के साथ लेने वाला हूँ। आज हमारे साथ ओनर नहीं है यहाँ पे, वरना ओनर होते तो बात करते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी हम लोग जब मटन स्टू की तैयारी दिखाएंगे ना, तो उस समय ओनर अगर होंगे ना तो उनसे बात करेंगे। भाप का मतलब है कि मटन एकदम पूरे तरीके से अब हो चुका है तैयार। विकी जी से जानते हैं, विकी जी क्या मतलब मटन अब हो गया है ना? हाँ अब हो गया, अब इसको हम खोलेंगे और चेक करेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे। चलिए, और एक से भी आइटम अगर आप एक भी मटन को अगर, क्योंकि मटन आप सब एक साथ चढ़ाए थे, तो एक भी अगर आप टेस्ट कर लिए मटन हांडी, इसका मतलब सही बात है कि बाकी में भी हाल वही रहेगा? एक वो पक गया तो सब पक गया। क्या बात है, चलिए तो मटन को अब खोला जाएगा, बस देखते रहिए हमारे साथ। ये देखिए पहले यहाँ पे उतारा जा रहा है, और इसमें रेडी किया जाएगा, उतारा जाएगा। अच्छा, दो मिनट छोड़ दीजिएगा उसके बाद, है ना भाई साहब? ये देखिए एकदम बढ़िया सा हांडी हमारे टेबल पर आ चुका है, मतलब देख सकते हैं। लेकिन भाई साहब, हांडी के पहले ना मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला जो है ना वो ये है, मैंने बार बार दिखाया है, मतलब यहाँ पे अस्त विद्यार्थी सर जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने का मुझे जो काम किया है वो इस पिक्चर ने किया है, जहाँ पर आप आशीष विद्यार्थी सर को देख सकते हैं कि जिस जायके को टेस्ट करने यहाँ पर आए हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हांडी जो है यहाँ पर रख दिया गया है तैयार कर। इतना देर का जो हम लोगों का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस कुछ यही था, दो रोटी हमने लिया है बस टेस्ट करने के लिए। ये
भाई साहब इसको देखकर तो एक आपको अलग तरीके से अल्टीमेट फील आ रहा होगा, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से सैलेड गार्निश कर रहा है, लग रहा मतलब पहले मैं मटन के पहले पहले इसे ही सफा चट कर जाऊं, है ना। लेकिन भाई साहब ये है हमारा हंडी, अरे घबराइए नहीं, आप तो घबरा जाते हैं कि भाई पूरा हम ही खा जाएंगे अकेले, आपके लिए नहीं बचेगा। अरे भाई साहब ये हमने मंगवाया है एकदम सजावट वाला आहुना हंडी, और हम लोग इसके टेस्ट के जायके को आप लोगों को अभी बताने वाले हैं। ऑडियंस का तो रिव्यू बहुत ही बेशक बढ़िया रहा है, और भाई साहब रहेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिल्मी जो सितारे हैं उनका भी एक बहुत ही बड़ा एक मतलब एक जायका यहाँ से जुड़ा हुआ रहा है। तो चलिए पहले मैं बुलाता हूँ यहाँ पे विक्की जी को। विक्की जी पहले इसे थोड़ा खोले, हमारे सामने जो दर्शक हैं वो भी देखना चाहेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से अनबॉक्सिंग, अरे गजब, अरे गजब का मतलब खुशबू है ना भाई साहब, ये अभी यहीं से लीक हो रहा है, अरे गजब है भाई, अरे गजब मतलब आप अच्छे तरीके से देखिए, आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा कैमरामैन इसे दिखाएंगे कितना बढ़िया तरीके से इसमें जो कलर है वो आ रहा है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर से आप लेकर दिखाएं, ये असली आहुना हांडी मटन है और इसमें से हम लोग पीस निकलवाने वाले हैं। ये देखिए पहले ऊपर से साफ किया गया है इसको, अच्छे तरीके से साफ किया गया है इसको, मतलब गजब का मतलब जो एम्बियंस है ना भाई साहब, इस बिहारी जमीन पे, इस बिहारी धरती पे आप लोगों के सामने अभी है। ये देखिए भाई कितने लोग चाहते हैं भैया, अगर चाहते हैं तो बिहार की राजधानी में, अगर पटना में आप हैं, बिहार की राजधानी पटना में बिल्कुल, तो जायके को तो अपनाना बनता है। ये देखिए सज चुका है, अरे गजब, ये ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म का धमाका कैसा होगा भाई साहब, अरे गजब, मतलब पीसेस कितने बढ़िया, और ग्रेवी देखिए भाई साहब, इसका ग्रेवी देखिए मतलब कितना बढ़िया कलर निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। और सभी पीसेस का जो साइज है ना बड़ा यूनिफॉर्म साइज है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, अरे गजब भाई साहब, बस 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 ये रहने दिया जाए, मतलब भाई साहब अमेजिंग, पूरा जो प्रिपरेशन है ना हमने देखा है। और अभी हमारे साथ कोई व्यूवर जुड़ रहे हैं, भाई साहब अभी बेल आइकन को दबाइए जल्दी से, मतलब इतना बढ़िया जायका। वैसे तो हमने आम तरीके से जो देसी स्टू है वो हमने देखा है, खाया है, हट कर थोड़ा सा हमने हांडी को आज चुना है क्योंकि हांडी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो, लेकिन इस पुरानी जगह का हांडी मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक शेयर हो, इसका जायका पता चले। तो बस बने रहे हमारे साथ और बस प्यार देते रहें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर नज़दीक लाता हूँ और मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर स्पून जो है इसका मदद लूँगा, और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप कलर पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कलर, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर यहाँ पर निखर के आया है, कितना बढ़िया कलर निकल के आया है। और वापस से मैं यहाँ पर एक पीसेस जो है इसे अपने प्लेट में डाल रहा हूँ, और इसका जो ग्रेवी है ना भाई साहब ये मतलब ठीक है ना, ये ठीक है। मैं इस ग्रेवी को देखकर आपको बता सकता हूँ कि ये जो मटन आहुना है, वैसे तो आमतौर पर बहुत बार लोग बोलते हैं मटन हांडी, लेकिन भाई साहब देखिए हांडी मटन हांडी जो है ना ये कोई अलग तरीके का डिश नहीं है, लोग बोलने को बोल देते हैं लेकिन ये आहुना है, मटन आहुना। लेकिन चूंकि ये हांडी में तैयार होता है इसलिए आम तौर पर लोग इसे बोलते हैं मटन हांडी, लेकिन काफ़ी बेहतर होगा कि अगर हम इसे एक नाम देते हैं आहुना मटन हांडी, क्या विक्की जी बिल्कुल सही बोला मैंने, है ना। और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, इसके पीछे बहुत सारा मतलब जो जायका है वो छुपा हुआ है, मसाले बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, कोई ज़्यादा मसाला नहीं जो हमने दिखाया। चलिए करते हैं टेस्ट, एक रोटी कोई बात नहीं, हमारा देसी स्टाइल हाथ काफ़ी है कि नहीं, थोड़ा सा हमने अब देसी खाने आए हैं भैया, तो जब तक हाथ नहीं लगाएंगे बिहार के होके तब तक मज़ा कैसे आएगा, है कि नहीं। ये देखिए भाई साहब टेस्ट ऐसा है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अब लोग सस्पेंस ले रहे हैं कि पता नहीं क्या टेस्ट मतलब क्या है,
भाई साहब आम तौर पर मैंने हांडी खाया है अलग अलग जगह पे, लेकिन भाई साहब इसके जो मसाले हैं ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस स्मॉल अमाउंट में, जिस प्रोपोर्शन में ये मसाले किए गए हैं, इतना बढ़िया और इतना स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है। मतलब मैं आउटस्टैंडिंग भी बोल दूँ ना तो ये एकदम कम है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। और भाई साहब वाकई में हमारे आशीष विद्यार्थी सर जो यहाँ पर आए हैं, तो वाकई में मतलब स्वाद जो है भाई साहब ये तो बड़ा उम्दा है। देखिए कोई मैं फेक रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। और एक बात, थोड़ा नज़दीक लाइए, पीस देखिए भाई साहब, 2 घंटे मैंने वेट किया है, 2 घंटे, पीस देखिए भाई साहब, हाथ में मतलब लगा रहा हूँ ना तो मुझे तोड़, मतलब बोलते हैं ना कि तोड़ना पड़ रहा है, ये देखिए हाथ लगाना पड़ रहा है, ये देखिए, मतलब भाई साहब ये जो टेस्ट है, इसको हम लोग लेते हैं, टेस्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही गजब। पूरे वीडियो को देखिए, पटना में है बिहार की राजधानी, या कहीं दूसरे जगह से अगर आप देख रहे हैं तो फौरन जल्दी से पटना में आइए और इस जगह पे आइए। पूरा जो एड्रेस है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। मैंने 2 रोटी लिया है, लेकिन भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस 2 रोटी पे नहीं रुकने वाला हूँ, मतलब बहुत खाऊंगा आज। और भरोसा रखिए, आप लोग शुरू में सोच रहे थे कि हांडी पे आफत ना हो जाए, वाकई में खतरा है इस हांडी पे, बचा लीजिए हमसे। और मिलते हैं एक नए वीडियो पे, एक नए जगह पे और एक बिहारी अंदाज में, और इस जायके को प्यार दीजिए, और जहाँ भी होता है भाई साहब शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक। और भाई साहब यहाँ पर हमने कर लिया टेस्ट, गजब का टेस्ट, गजब का एम्बियंस, हाईली रिकमेंडेड जगह है, एक बार आइए खाइए, और मटन के दीवाने हमारे बेलवा आइकन को दबाइए। चलिए चलते हैं एक नए कंटेंट के तलाश में, क्योंकि अगला एपिसोड भी तो आएगा ना।